हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लखन उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नोटिस। 2 मार्च को होने वाला है CBSE 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर और उसके अंदर आता है एक नोटिस जो होता है 4 नंबर का और बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नोटिस लिखते टाइम ध्यान में रखने हैं। वो है नंबर 1, फॉर्मल टोन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप लिखेंगे तो फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे। जैसे आप इनफॉर्मल लेटर्स लिखते आए तो इनफॉर्मल लेटर्स की तरह की लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी, केवल पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा है टू द पॉइंट बात करेंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं। तीसरा है एनक्लोज नोटिस इन अ बॉक्स। जब आप नोटिस लिख लेंगे तो उसके बाद उसे एक बॉक्स में बंद करेंगे। और एक और है हाईलाइट द वर्ड नोटिस। जब आप नोटिस लिखेंगे तो उसके ऊपर नोटिस जो NOTICE लिखा होगा उसे आप हाईलाइट करेंगे। तो चलिए अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल और उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हमने एक क्वेश्चन लिया है और वो है जिस पे हमें नोटिस लिखना है, यू आर अर्णव ऑब्लिक अरुणा। या तो आप अर्णव हो या अरुणा हो, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के स्कूल थिएटर सोसाइटी के आप कौन हो, असिस्टेंट सेक्रेटरी हो। ड्राफ्ट अ नोटिस, आपको क्या ड्राफ्ट करना है, एक नोटिस बनाना है, नोटिस लिखना है इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। देखो इस चीज का सब ध्यान रखेंगे, 50 वर्ड से ज्यादा में नहीं, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी है नोटिस के अंदर। गिविंग डिटेल्स ऑफ एन ओपन ऑडिशन, और आपको उस नोटिस में कौन सी डिटेल डालनी है कि भैया जो ऑडिशन होने वाला है उसकी, फॉर वेरियस रोल्स फॉर द एनुअल डे ड्रामा। जो एनुअल डे फंक्शन होता है, एनुअल डे बनाया जाता है स्कूल्स में, उसके अंदर जो ड्रामा वाला जो पोर्शन होगा उसके लिए आप ओपन एडिशन दे सकते हैं, यानी उस स्कूल के बच्चे। अब ये जो नोटिस बनाना है आपको, यू स्टडी इन माता हरी पब्लिक स्कूल, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, माता हरी पब्लिक स्कूल में, मेरठ में। अब ये हमें डेटा मिल गया, इस डेटा से अब हमें अपना आंसर लिखना है और किस तरह से आप बोर्ड में अपना आंसर लिखेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, हमें समझ आ गया है कि आप कौन हो, असिस्टेंट सेक्रेटरी हो और आपको एक नोटिस लिखना है आपके स्कूल में क्या होने वाला है, कोई एनुअल डे फंक्शन होने वाला है उसके लिए ओपन ऑडिशन रखे जाने हैं। अब उसके लिए हम नोटिस किस तरह से रखेंगे, देखो अगर स्कूल का संस्था का नाम दिया हुआ है तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन नेम, संस्था का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इसमें आपको दिया गया था माता हरी पब्लिक स्कूल, तो आपने वो नाम डाल दिया। हो सकता है उसमें एक्स वाई जेड कोई स्कूल दे दे, कोई SPS दे दे, कुछ भी दे दे, तो आपको वो स्कूल का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है सबसे पहले। उसके बाद आपको NOTICE बड़ा बड़ा नोटिस लिखना है, उसके बाद आपको डालनी है डेट, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको लिखना है हेडिंग। हेडिंग क्या देंगे आप, जो भी वो पूछ रहा है उससे रेलिवेंट हेडिंग देंगे। अब इसमें क्या है, ऑडिशंस फॉर एनुअल डे ड्रामा, ताकि पढ़ते ही पता चल जाए कि भाई इस ये जो अंदर जो लाइंस लिखी आई है उनके अंदर ये वाली बात आई है। कैसे लिखेंगे देखिए, ऑडिशंस फॉर द ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड, ऑडिशंस उस ड्रामा के लिए जो कहां पे परफॉर्म होगा, ऑन एनुअल डे, एनुअल डे पे जो ड्रामा परफॉर्म किया जाएगा उसके लिए जो ऑडिशन, उसके लिए ऑडिशन विल बी हेल्ड इन आर स्कूल ऑडिटोरियम। उसके जो क्या नाम है, जो ऑडिशंस हैं वो कहाँ पे होंगे, स्कूल के अंदर ऑडिटोरियम में, एट 11 AM ऑनवर्ड्स। कब से, 11 बजे से, किस डेट को, ऑन 6 दिसंबर। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे सपोज करो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये डेट ली है जो 2 दिसंबर ली है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई अब अगर इधर आप 2 दिसंबर रख रहे हो तो 2-4-5 दिन का गैप दिखाना, यानी कि वो जो ऑडिशन है नोटिस लगने के 2-4 दिन बाद होगा। तो यहां पे देखो हमने 6 दिसंबर दिया, अगर आप यहां लिख दो 2 दिसंबर और यहां लिख दो आप फरवरी, तो ऐसा नहीं होता कि 2-3 महीने पहले नोटिस आ जाए, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 8th to 12th, ऐसे बच्चे जो जिन्हें इंटरेस्ट है क्लास 8 से लेकर 12th तक, कैन पार्टिसिपेट इन द ऑडिशंस, इन ऑडिशंस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर अदर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, अगर किसी और कोई आपको और इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है, भाई क्या है, कोई और डिटेल्स लेनी है, तो जो अंडरसाइंड है अरुणा सा, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, दोबारा से मैं आपको लास्ट में दोबारा से बता दूं, किसी भी नोटिस में कोई सा भी नोटिस आ जाए सबसे पहले आप
उस संस्था का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, स्कूल का नाम टॉप पे लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे नोटिस, फिर आप डालेंगे डेट, और फिर जो उस नोटिस में वो मांग रहा है, जैसे यहां पे मांग रहा था वो ऑडिशन के लिए भाई नोटिस बनाओ, तो जो भी वो मांगेगा वो लिखोगे। उसके बाद आप देखो पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, ना कोई बात ज्यादा ना कोई कम, और लास्ट में जो भी अंडरसाइंड है जो भी है वो लिख के खत्म कर देंगे। एक बात और, जब आप ये पूरा बना लें, नोटिस को हमेशा इनक्लोज करना है आपको एक बॉक्स के अंदर। सो आई होप ये जो नोटिस है ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर आप इस तरह से नोटिस लिखते हैं तो मेरे हिसाब से आपके चार नंबर कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।